यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक जोश है लोगों के अंदर और सभी लोगों का जो है वेलकम किया जा रहा है। ये पारी कबीला की तरफ से मंडी प्रधान के सामने जो है यात्रा का स्वागत किया गया है। पारी कबीला के जितने भी सीनियर लोग साथ वो सारे पारी कबीला के साथ थे और पारी कबीला की तरफ से यहाँ यात्रा का जो है गेट के ऊपर स्वागत किया गया है। आज बहुत ही जोश जोश के साथ इतिहाद एसोसिएशन की जानिब से और अदर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पुंछ से लेकर यहाँ तक जो है वेलकम किया गया यात्रा का। वहीं पर आज इख्तिताम मंदिर के सामने गेट के सामने पहाड़ी कबीले की जानिब से भी इस्तकबाल किया गया है यात्रा का। और हम चाहते हैं कि हम पैसे ही देना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाए कि यहाँ पर पुरअमन तरीके से वो आ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि 3 महीने पहले से ही यात्रा शुरू हो चुकी है लेकिन आज जो है वो इसकी हतमी शक्ल होनी बाकी थी और मैं समझता हूँ 29 तारीख को छड़ी मुबारक भी आएगी और उसमें भी जो है वो 31 या 30 को ये जो है वो इख्तिताम पसीर होगी। बिल्कुल बढ़ चढ़ करके जो है बिल्कुल जोश से और होश से यहाँ पर जो है उन्होंने यात्रियों का वेलकम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मंडी के लोगों को। आज तक पुंछ का इतिहास जो है वो मंडी के लोगों ने लिखा है और राजपुरा का नाम जो है आज जो है रोशन हुआ है। और मंडी के बीच में यहाँ पर जो है हर साल स्टॉल लेते थे लेकिन फर्स्ट बार जो है पंचायत राजपुरा के बीच में स्टॉल लगाया गया है। हमारे मास्टर जी और जो जितनी भी हमारी एसोसिएशन है पुंछ के खासतौर मंडी की उनकी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ और यात्रियों से यह प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ से ये मैसेज लेके पूरे देश भर में जाएं और अगले साल यहाँ पर जो यात्रा है मैं चाहता हूँ कि 2 लाख से अब हो ताकि पुंछ का नाम रोशन हो और हमारा भाईचारा जो है जैसे पेड़ के साथ फूल खिलते हैं तो वो जैसे ही देश भर के भी फूल खिले। हमें प्यार से रहना है, ये प्यार भाव जो हिंदू मुस्लिम सिख आदात का जो हम नारा लगाते हैं ये हमें हमारे बुजुर्गों ने विरासत में दिया है। आने वाली नई जनरेशन को मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आज हमें प्यार भाव से रहना है, हमें उस विरासत को नहीं भूलना है तो वो साथ हमारे बुजुर्गों ने दिया है। मैं उन सियासतदानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई टिप्पणी मत करे, से आपस में कोई भेदभाव करे। आज एजुकेशन है हमारे बच्चों के पास, वो इस उम्मीद है कि हमारी आने वाली मंडी की जो नई जनरेशन है वो प्लेटफॉर्म को कायम रखेगी। थैंक यू, जय हिंद। सब लोग बंटवारे प्रांत से आए हैं और यहाँ हमने व्यवस्था देखी, बहुत अच्छा लगा, आपस में भाईचारा लोगों को देखने को मिला, बहुत शानदार लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था, सीआरपीएफ का सहयोग, शासन प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भाईचारे का एक जो समन्वय देखने को मिला, एक अद्भुत नजर रहा सर। यहाँ लेकिन बहुत खुशी है हिंदुस्तान से बड़े अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो आज श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, हम उनके वेलकम के लिए यहाँ खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि आप देखें हम सब लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया है कि हिंदू मुस्लिम सिख आदात को कायम रखें। हम ये चाहते हैं कि रियासत में और अमन तौर पर इलेक्शन हो, यहाँ गवर्नमेंट बने ताकि हमारे बच्चे जो हैं हमारी
कम्युनिटी जो है वो खुशहाल रहे। और मैं ये भी कहूँगा कि जो ये पहाड़ी का सिलसिला चला है इसको 2 महीने के लिए पेंडिंग किया है, लेकिन मैं चाहूँगा मंडी के आम की तरफ से कि इसको पेंडिंग ना किया जाए, इसको पहली फुर्सत में लागू किया जाए। ये यीशु भाई यहाँ मंदिर के सेवक हैं, ये हमारा इधारे एसोसिएशन की जानिब से है और आपका वेलकम है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आप ज़्यादा एडवांस से लेंगे, आपका स्वागत है यहाँ पर। हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे इंडिया में कि जितने भी यहाँ हमारे भारतवासी हैं, श्रद्धालु हैं, वो खुल के यहाँ आ सकते हैं। हम हर साल की तरह उनका वेलकम से पहले नजीर साहब के बाद नजीर साहब एक सर आप हम एक मिनट आपका लेंगे सर। ये सर सुने तो सुने तो शेर सना सब सिफतान दे नायक अल्लाह कुदरत पाक इलाही जिसने जिया जून तमामी रंग रंग बढ़ाई हुन साखा हाजर मजलस पाई सत श्री अकाल नमस्ते जय हो जो जो यात्रा भारत माता की जय भारत माता की जय। चलिए चलिए मंदिर सर दूर नहीं है मंदिर।